हेलो, हाँ जी सर। मिस्टर तुषार। हाँ जी सर। मिस्टर तुषार, मैं जितेंद्र त्यागी बोल रहा हूँ, योरपीडिया एजुकेशन से। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक मैथमेटिक्स का मॉक इंटरव्यू, ठीक ओके सर। है? तो अभी तुषार, आप मुझे पहले ये बताइए, आपकी ब्रांच कौन सी है? ईसी सर। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। हाँ जी सर। ओके, तो तुषार, आपने जो गेट 2020 का एग्जाम दिया है, हाँ जी, उसमें आपका क्या स्कोर आया है? 787 स्कोर आया सर, 244 ऑल इंडिया रैंक के साथ। हाँ 244 ऑल इंडिया रैंक है, जी, और गेट स्कोर 787। 787। ओके, और ये कितने मार्क्स पे बना है स्कोर आपका? 64.67। ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुषार, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एक अच्छा रैंक अचीव किया है गेट में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ तो तुषार, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? जी सर। ओके, तो तुषार, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए फंक्शन? क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स एट विच लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा लाइज इन द ग्राफ। ओके, जहां पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता है वो हाँ, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, दोज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, हाँ जी, हाँ यही डेफिनेशन है? जी सर। अच्छा, अगर कहीं पे लोकल मैक्सिमा और मिनिमम नहीं है तो हाँ उसका मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा आपके हिसाब से? हाँ जी सर। ओके, चलो। अच्छा, मैं एक आपको फंक्शन बताता हूँ। जैसे फंक्शन आप नोट कीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एफएक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन। ओके, तो इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, कहाँ पे हैं, वो आप मुझे बताइए। अच्छा ठीक है सर। सर दो क्रिटिकल पॉइंट, एक एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी पे और एक एक्स इज इक्वल टू टू पे। टू एक एक्स इक्वल टू माइनस इनफिनिटी पे और एक्स इक्वल टू पे टू पे। अच्छा, तो माइनस इनफिनिटी पे हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट? हाँ, अगर हम माइनस इनफिनिटी कंसिडर करें तो उसे हम ले सकते हैं कि इनफिनिटी पे है, वो मिनिमम हो ओके, रहा ठीक है या फिर है, आगे मैक्सिमम। चेक कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरा क्या है आपसे, आपने कभी गामा फंक्शन के बारे में सुना होगा? हाँ जी सर। तो ये गामा फंक्शन क्या होता है, ये बताइए। सर गामा फंक्शन होता है ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स वन एन माइनस वन ओके इंटीग्रेशन 0 to infinity dx ओके, वेरी गुड। तो इट वर इसमें, एक्स। हाँ हाँ जी सर। अच्छा, ये जो इंटीग्रल है इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं कि प्रॉपर बोलते हैं? प्रॉपर प्रॉपर इंटीग्रल सर। इंटीग्रल, हाँ जी, ओके, प्रॉपर इंटीग्रल। और इस इंटीग्रल को अगर हम लिखेंगे, जैसे आपने जो बताया है कि 0 to infinity e टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, तो हाँ इक्वल टू, इसकी अगर वैल्यू लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं, कितनी वैल्यू आती है? आपने क्या एक बार दोबारा पूछना सर। जो ये एक मुझे आपने एक इंटीग्रेशन बताया है, ठीक हाँ है, तो इस इंटीग्रेशन को इक्वल टू कुछ करके लिखते हैं, कोई वैल्यू इसकी अगर निकालनी हो तो गामा ऑफ एन। गामा ऑफ एन लिखते हैं, ठीक हाँ जी सर। है? तो मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, जैसे कि लिमिट में 0 to infinity है, e टू द पावर माइनस एक्स है और मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर 3 है और डी एक्स, तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं? हाँ जी सर, बताइए। 3 फैक्टोरियल सर, 3 factorial, 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू 6 आ सर। जाएगा। ओके, ठीक है। तो सर, अभी मैं आपको एक मैट्रिक्स की प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ठीक है? तो उस मैट्रिक्स का आपको मुझे रैंक बताना है, ठीक ठीक है सर। है? ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है अभी, और इसका रैंक कंप्यूट करके आप मुझे बताइए एक बार।
आपने क्वेश्चन देख लिया तो सर जी? हाँ जी ठीक है, इसका रैंक कंप्यूट करके बता दीजिए। कर रहा हूँ सर। जीरो सर, जीरो। उसका रैंक जीरो है आपका? ठीक है चलो चेक कर लेंगे इसको। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नहीं सर, वेट सर, रैंक रैंक मैं एक बार दोबारा करना चाहूंगा सर। रैंक फिर से बताना चाहेंगे, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, वेट। थ्री है सर इसका रैंक। थ्री है इसका? ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। तो सर ये बताइए कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है जिसमें एक ऐसा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन जीरो हो और वेरिएंस वन हो। जीरो और वेरिएंस वन होगा, हाँ, तो उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन बेल शेप्ड होनी चाहिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व। ठीक है तो अपसाइड बेल कर्व। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। आपने कभी प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा? हाँ जी। तो वहां पे दो टर्म्स बहुत ज्यादा हमारे सामने आती है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और दूसरा एक टर्म होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आप इनको एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी सर। सर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो वो होती हैं कि जिसमें एक के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि लेट अज्यूम कर लो हमारे पास में ए और बी दो इवेंट्स हैं, ठीक है। तो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इटसेल्फ, देन वी कैन से दैट द ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, एंड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होती हैं कि अगर एक इवेंट हो जाए हमारी तो दूसरे की होने की प्रोबेबिलिटी एकदम खत्म हो जाए। जैसे कि हम एक कॉइन उछालें और उसमें दो इवेंट, दो फेस आ सकते हैं। एक आ सकता है हमारा हेड और दूसरा आ सकता है टेल। अगर हमारा हेड आ गया तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हट गई। सच इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आपने बोला हेड अगर आ जाएगा तो टेल की प्रोबेबिलिटी घट गई, नहीं हट गई, हट गई, खत्म हो गई, मतलब जीरो हो गई, कह सकते हैं जीरो होगी अगर हेड आ गया तो टेल के होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा जस्ट सपोज हमारे पास ए और बी टू इवेंट्स हैं एंड दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। ओके सो आर दे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी जीरो। ओके देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू जीरो। मैं कह रहा हूँ कि दोनों की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। हाँ, पी ए नॉट इक्वल टू जीरो, पी बी नॉट इक्वल टू जीरो, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ए और बी। अच्छा, तो आपको ये बताना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, या कुछ अलग आंसर है आपका? ओके, ये सर नहीं बता पाऊंगा सर मैं। ओके, डिफरेंस में प्रॉब्लम है। ओके, कोई बात नहीं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे। आपने कैलकुलस तो पढ़ा होगा? हाँ जी सर। काफी टाइम से पढ़ रहे हो आप? 11th क्लास में स्टार्ट हो जाता है थोड़ा सा। हाँ जी, उसमें पढ़ते हो, इंजीनियरिंग में पढ़ते हो। हाँ, तो कैलकुलस में थ्योरम होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। हाँ, तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार।
फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, यही नाम है इसका, बहुत ही कॉमन है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। याद नहीं है सर, सॉरी। आप तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, दैट इज डिफरेंट थिंग। याद नहीं है सर ये, सॉरी। ओके, वैसे मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा हूँ, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करके बताना है। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने पढ़ी होंगी, हाँ, और इनका यूज भी आपको काफी मिलता होगा आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में भी। हाँ, करते हो, कहाँ कहाँ पे यूज करते हो इनको? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करते हो, हाँ जी। और मेनली वहां पे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन करते हो कि सेकंड ऑर्डर की करते हो? फर्स्ट की भी करते हैं सर, सेकंड की भी करते हैं। दोनों करते हैं। तो आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन नोट कर लीजिए, हाँ जी, dy अपॉन dx, dy dx, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट लगाने, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इक्वल टू वन। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब डीवाई अपॉन डीएक्स के प्रोडक्ट में एक टर्म है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू में वन है। इसको सोल्व करना है, ठीक है, एक्स वाई में रिलेशन जो है, दैट इज आपको आंसर करना है वो। एक्स वाई में रिलेशन निकालनी है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाँ, ओके, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी। सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का? y is equals to mx plus c, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है या तो y equal to mx plus c की फॉर्म में तो जरूरी नहीं होता। हाँ, x भी आ सकता है। हाँ, मतलब हमें इक्वेशन ही निकालनी है ना, x y में रिलेशन फाइंड आउट करना। डो यू डू, ओके सर, सॉल्व करना है, मतलब आपसे मैंने बोला सॉल्व कर दीजिए इसको। क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे आप इसमें? हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, ये डी वाई बाई डी एक्स की एक्सप्रेशन आई है मेरे पास। सॉल्यूशन क्या है आपका बताइए? सॉल्यूशन सर सोल्व नहीं हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन उससे। अच्छा, सोल्व नहीं किया आपने ये? हाँ, आधी सोल्व हुई है, इससे ज्यादा नहीं हो रही। ओके, तो आप इसका आंसर एक बार मुझे सेंड करेंगे क्या? हाँ जी, जो भी आपने किया है एक बार दिखाइए।
भेज दिया सर मैंने. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी. हाँ जी. आपने न्यूटन रैफसन मेथड पढ़ा होगा कभी? हाँ जी सर. तो इसका मेन एप्लीकेशन क्या है, किस लिए यूज करते हो आप इसको? सॉल्यूशन निकालते सर नॉन लीनियर इक्वेशंस का. ओके, नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हो. तो जो सॉल्यूशन आपको मिलता है क्या ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें दे देता है कि एप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमें मिलता है? नहीं, हमें दो तीन इटरेशंस लगानी पड़ती है. जितनी इटरेशंस लगाएंगे उतना आंसर एग्जैक्ट होता जाएगा. ओके ठीक है. और इसी पर्पज के लिए कोई और मेथड भी हम यूज करते हैं? हाँ जी, बाइसेक्शन मेथड है, सीकेंट मेथड है. ठीक है. हाँ, एक और है वो रेगुला फालसी मेथड है. ओके ओके गुड. अच्छा ये बताइए, न्यूटन रैफसन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ा है आपने? टू है सर, टू टू होता है. ठीक है. अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाना है आपको. और मेरा फंक्शन है ft इज इक्वल टू 1 माइनस e to the power हाँ e to the power हाँ माइनस मॉडुलस ऑफ t. ओके, जो t है वो मॉडुलस के अंदर है. ठीक है, 1 माइनस और e की पावर में है माइनस मोर t. ओके, इसका ग्राफ बना के दिखाना है आपको. ठीक है ठीक है ठीक है सर. भेज दूं सर? हाँ भेजिए, बताइए. तो आपने जो ग्राफ बनाया है इसमें जो ऊपर एक लाइन है जो एलिप्स की तरह दिख रही है हमें, क्या जो लाइन कर्व जिस लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है आपका ऊपर, एसिम्प्टोट हाँ. तो ये कौन सी लाइन है? 1 है यहाँ पे. 1 है सर. ठीक है. अच्छा इस फंक्शन का ग्राफ तो आपका ठीक लग रहा है. इसमें ये बताइए मुझे आप कि इसकी रेंज क्या है इस फंक्शन की? 0 to 1. 0 to 1. हाँ जी सर. 0 को इंक्लूड करें कि ना करें, 1 को इंक्लूड करें कि ना करें? 1 इन्फिनिटी पे जाकर के होगा, लेकिन 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा. 0 को करना है और 1 जो है वो ओपन ब्रैकेट से बंद करेंगे उसको. हाँ जी सर. 0 को क्लोज ब्रैकेट से ही करना चाहिए. हाँ जी सर. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अच्छा अगला क्वेश्चन मेरा क्या है आपसे, आपने कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ये सारी चीजें भी पढ़ी होंगी? हाँ जी सर. तो कर्ल क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कर्ल ऑफ ए स्केलर फील्ड? ओके सर, जैसे हम किसी भी चीज का कर्ल करते हैं. हाँ जी. व्हाट इज द यूज ऑफ कर्ल ऑफ ए स्केलर फील्ड? ओके, कर्ल ऑफ ए स्केलर फील्ड. ओके, कर्ल ऑफ ए स्केलर फील्ड. ओके सर, कर्ल तो वेक्टर फील्ड का निकलता है ना. अच्छा स्केलर का नहीं निकलता है? नहीं, स्केलर का नहीं निकलता सर. ठीक है ओके. तो वेक्टर का अगर हम निकालते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको? सर वो तरीका है, एक पूरा फॉर्मूला है उसका. क्या वो उसको वेक्टर फील्ड एफ मान लेते हैं? एफ. हाँ हाँ ठीक है. तो उसका कर्ल को कैसे डिनोट करोगे? डेल क्रॉस एफ वेक्टर. डेल क्रॉस एफ. ठीक है. और ज्योमेट्री के लिए क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? किसके लिए सर?
अगर मान लिया f जो है हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है तो उसका कर्ल अगर हम कंप्यूट करते हैं तो उसके क्या क्या यूज हो सकते हैं वेक्टर फील्ड के कर्ल के. ओके, कर्ल अगर हमारे पास में आ रहा है और उसकी वैल्यू नॉन जीरो है तो वो हमें डिनोट करता है कि जो वेक्टर फील्ड है हमारा वो रोटेटिंग है. अच्छा, उसमें रोटेटिंग कर्व है, मतलब वो सीधा नहीं जा रहा, वो मुड़ रहा है कहीं ना कहीं पे. अच्छा, इसका ये मतलब होता है सर. ठीक है. और अगर कर्ल जीरो होता है तो फील्ड इज इरोटेशनल, बेसिकली इसको इरोटेशनल वेक्टर फील्ड बोलेंगे. हाँ जी सर, कि वो रोटेट नहीं कर रहा, सीधा जा रहा है. ओके ओके, हाँ ठीक है. तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये नोट करना है आपको एक बार. इसमें कुछ लेटर्स बोल रहा हूं मैं आपको. ओके, जैसे आपको ए जो है 3 times लिखना है. ओके, ए कोमा ए कोमा ए. और बी को लिखना है 5 times. ठीक है. और सी को लिखना है 6 times. हाँ ठीक है. तो टोटल कितने लेटर्स आपके सामने हैं अभी? 14 है. ठीक है. अब इन 14 लेटर्स में से मुझे 3 letters चूज करने हैं. तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज 3 letters फ्रॉम दीज 14 letters? 14C3. आपका आंसर क्या है? 14C3 कंप्यूट करके बताऊं पूरा? हाँ, 14C3 कंप्यूट करके कितना आ जाएगा ये? ओके, ये काफी लंबा सा आएगा सर, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा. इसी को यहीं पे छोड़ देते हैं. हाँ हाँ. तो सर, आपके जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, आपने काफी ट्राई किया अच्छे तरीके से आंसर करने का. थैंक यू सर. तो यहीं पे मैं एंड करता हूँ. ओके, और अब मैं आपको आपकी फीडबैक बता देता हूँ. ओके ठीक है. हर एक क्वेश्चन को मैं एक बार डिस्कस करूंगा, उसके बारे में आपने क्या सही दिया आंसर और गलत दिया. ठीक है. ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था मेरा, दैट वाज क्रिटिकल पॉइंट. तो क्रिटिकल पॉइंट की जो डेफिनेशन आपने बताई है, दैट इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन. ओके, ठीक है. आपने बोला कि मैक्सिमम मिनिमम जहां पे होगा दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट. हां हां, तो ये इनकरेक्ट है. हां, क्रिटिकल पॉइंट सिंपली वो पॉइंट होता है हां जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो जीरो हो, हां, या वो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता. हां, ठीक है. फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल ना हो, हां, या अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो. ओके, और वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन के अंदर का ही एक पॉइंट होना चाहिए. ठीक है. ठीक है, ये डेफिनेशन होती है मेरी क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है. तो आपको अपनी डेफिनेशन और दूसरा जो आपने निकाला है आंसर, उसमें x इक्वल टू 2 निकाला है आपने. x इक्वल टू 2 एक आंसर बताया था आपने क्रिटिकल पॉइंट. तो ये कैसे किया था आपने? डेरिवेटिव किया था फंक्शन का. कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो सर? फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था क्रिटिकल पॉइंट, e टू द पावर x अपॉन x माइनस. हां हां, 2 दिया था. तो 2 कैसे निकाला था आपने, क्या किया था? डेरिवेटिव किया था सर इसका. डेरिवेटिव को जीरो किया ना आपने? हाँ जी. ठीक है, तो उससे आपको x इक्वल टू 2 मिला. हाँ, तो ये सही आंसर है आपका. ओके, डेरिवेटिव जीरो होगा तो क्रिटिकल पॉइंट होगा. हाँ जी. बट अगर कहीं पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो डोमेन का पॉइंट है, वो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है. ओके, ठीक है. और मैक्सिमम मिनिमम वाली डेफिनेशन आपकी फेल यहाँ पे हो जाएगी. एक्स क्यूब ले लेते हैं सपोज. तो एक्स क्यूब में अगर हम देखते हैं उसके ग्राफ को, जीरो पे चेक करो आप जरा. तो जीरो पे डेरिवेटिव तो जीरो आएगा. हाँ जी, लेकिन ना तो मैक्सिमा होगा उसमें, ना ही मिनिमा होगा. अगर आप एक्स क्यूब का ग्राफ चेक करोगे, जी, इन्फ्लेक्शन का पॉइंट होगा वो. ठीक है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट तो है वो. हाँ जी, पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलते हैं. हाँ जी सर. ठीक है. और माइनस इन्फिनिटी हमें आंसर नहीं करना है. ठीक है सर. बाउंडेड तो हमारा आंसर नहीं होगा. ठीक है, नहीं बता सकते वो डोमेन कहाँ है. तो ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा था मैंने, गामा फंक्शन, तो आपने सही आंसर दिया है. ओके, ठीक है, वो करेक्ट है आपका. थैंक यू सर. आपने जो आंसर भी कंप्यूट किया था उसमें करेक्ट. ठीक है. और जो आपने रैंक निकाला है ना, पहले तो आपने रैंक जीरो बताया. वो गलती से हो गया सर, मेरा दिमाग नॉन जीरो मैट्रिक्स का कभी नहीं हो सकता. हाँ, वो नॉन जीरो मैट्रिक्स का कभी नहीं हो सकता. वो इसका रैंक 2 आएगा अगर आप चेक करेंगे तो. ओके, मेरी कैलकुलेशंस गलत होगी होंगी. हाँ, एक बार चेक करना है आपको, 2 आना चाहिए. हाँ जी सर. आप इसको चेक कर लेंगे. ठीक है सर.
उसके बाद मैंने आपसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा था, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपने सही आंसर किया, ओके बेसिक आपका ठीक है वो। एंड उसके बाद जो मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट का आंसर दिया था, हाँ हाँ, तो वो आंसर आपने डेफिनेशन डिफरेंस तो ठीक बताया है, हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है वो भी आपने ठीक बताया है। उसके तो मैंने सेकंड पार्ट में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर आपने मना ही कर दिया था करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो इस कंसेप्ट को एक बार आप अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है सर। मैंने कहा था ए और बी जो है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पी ए और पी बी में से कोई भी जीरो नहीं है, ना पी ए जीरो है ना पी बी जीरो है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी जीरो नहीं होगा फिर पी ए पी। हाँ हाँ ठीक है, अब हमें जब भी चेक करना होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, हम रिलेशन देखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी वी के बराबर है या उससे डिफरेंट है। ठीक हाँ है ना, अगर ये इसके इक्वल होता है तो हाँ तो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होती है, हाँ और अगर हाँ डिफरेंट होता है तो डिपेंडेंट होती है, और यहाँ पे एक जीरो है और एक नॉन जीरो है तो क्लियरली वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, वो डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, एक के होने पे दूसरी डिपेंड नहीं होगी ना, तो हाँ हाँ डेफिनेटली वो डिपेंड कर रही है इसका मतलब। हाँ जी सर, हाँ जी, समझ ठीक गया। है, और उसके बाद मैंने कैलकुलस में थ्योरम आपसे पूछा था, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है सर, आप इसको चेक कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू या बुक्स के थ्रू। ठीक है, ओके, इसी थ्योरम में जो इंटीग्रल को और डिफरेंशिएशन को आपस में रिलेट करती है, ठीक अच्छा, है ना, इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन जो होता है उसको रिलेट करती है, तो ये थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपने नहीं किया, तो हाँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, तो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ कॉमन फॉर्म्स हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने में, तो बट कई बार क्या होता है कि अगर हम वाई के टर्म्स में ट्राई करते हैं कि वाई डिपेंडेंट और एक्स इंडिपेंडेंट, तो हमारी जो कॉमन फॉर्म्स होती है जो हम पढ़ते हैं वो उसमें नहीं बन पाती है इक्वेशन, तो माइंड में हमें एक रखना होता है कि एक्स भी डिपेंडेंट हो सकता है, उसको भी डिपेंडेंट माना जा सकता है इस ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डीएक्स अपॉन डीवाई लिख दूं तो ये इक्वल टू बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और प्लस एक्स वाई। अच्छा, ठीक है, अब मैंने वाई में वाई को इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, एक्स को डिपेंडेंट की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ ठीक है। अब ये, और उसके बाद इसको हम डीएक्स अपॉन डीवाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वाई क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, इसमें एक्स डिपेंडेंट का काम कर रहा है और वाई इंडिपेंडेंट का काम कर रहा है, ठीक तो अब ये है, बर्नौली इक्वेशन में चेंज हो चुकी है, तो ओके, बर्नौली इक्वेशन आपने पढ़ी होगी तो आप, हाँ जी, ठीक है, आप इसको आगे सोल्व कर लोगे और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिए आंसर इसका, वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी, सी, हाँ सी मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट सी, हाँ जी सर, और मल्टीप्लिकेशन में है ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है सर, ई की पावर में रहेगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। तो ये एक्स वाई में सीधा रिलेशन आया है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता कि हमें वाई को एफ एक्स के टर्म्स में ही लिखना होता है, ठीक है, हाँ जी सर, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग होता है कि हमें एक्स वाई में एक रिलेशन ड्राइव करना है हाँ जो जी, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। ओके, एंड आफ्टर दैट जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था न्यूटन रैप्सन मेथड, जो आपने सही आंसर किया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड्स आपको सारे कॉमन जो होते हैं उनके पता ही होना चाहिए, हाँ जी सर, और उसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ का क्वेश्चन था वो भी आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। ठीक ओके, है, ग्राफ आपका ठीक है, बस ग्राफ को थोड़ा शेप अच्छे तरीके से बनाना है आपको, ठीक ठीक है सर, है, और रेंज और डोमेन भी आपका ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, पैरेलल ऑफ ए स्केलर फील्ड, मैंने पूछा था आपने ये कंसेप्ट को दिमाग से, मतलब इसका मतलब आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी है, ठीक थैंक यू है, सर, वरना कई स्टूडेंट्स, मैंने जबकि मैंने रिपीट किया था पहले, तो आप भी सीधा ही इसको आंसर करने लगे थे, मैंने ओके, रिपीट करके थोड़ा बोला उसको, मतलब उस पर वो किया मैंने कंपेयर अलर्ट कर दिया आपने मुझे। हाँ कि जी, स्केलर फील्ड बोला ना, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब वहां पे क्या होता है कि इंटरव्यू में प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होता है आपको, हाँ जी सर, हाँ जी, नाम से मैं उसको
सोचो और आंसर करो, जी सर। तो उसके बाद आपने आंसर ठीक किया। जी हाँ जी सर। तो जो लास्ट क्वेश्चन था मेरा, इसका आंसर आपने बड़ा गलत किया है बिल्कुल। ये तो कौन सा सर? ये जो मैंने सिलेक्शन के लिए बोला था आपसे, फोर्टीन सी थ्री नहीं होगा सर इसका? नहीं देखो इसमें क्या है ना कि डिफरेंट आइटम्स नहीं है ना 14, ये वो हाँ, जो एनसीआर हम यूज करते हैं वो कब यूज करते हैं, जब एन अपॉन में थ्री डिफरेंट आइटम्स होते फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल और सिक्स फैक्टोरियल आएगा। हैं, एन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ उसमें से हमें आर सेलेक्ट करने हैं अगर, तो एनसीआर यूज करेंगे, लेकिन कब, जब एन डिफरेंट होंगे सारे के सारे हाँ जी नंबर ऑफ सिलेक्शंस के लिए। तो हाँ यहाँ हाँ पे रिपीट कर रहे हैं ना, आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं चलता इस तरीके के केसेस में, ओके। इसको हमें अलग तरीके से सोल्व करना होता है। तो इसमें क्या करना होगा, सिंपली आप ऐसे केसेस बनाओगे, क्योंकि तीन लेटर मुझे पिक करने हैं इनमें से सामने से, तो एक तो ये हो सकता है कि मैं तीनों डिफरेंट ले लूं, ऑल डिस्टिंक्ट, तो एक ए उठा लिया, एक बी उठा लिया और एक सी उठा लिया, हाँ एक सिलेक्शन हुआ ना ये, नोट कर लिया वन सिलेक्शन, इसके अलावा कोई भी और सिलेक्शन हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि हाँ ऑल डिस्टिंग करना है, तो एबीसी तीनों एक एक उड़ा लेते हैं। दूसरा, हम ऑल आइडेंटिकल अगर करें, तीन तीन और केसेस आ जाएंगे। ए या थ्री बी या थ्री सी, तो तीन केसेस ये हो जाएंगे। या फिर हम ये कर सकते हैं कि दो तो आइडेंटिकल रखें और एक डिफरेंट रखें, तो दो अगर आइडेंटिकल लेने हैं हमें, तो हम ए या बी बी या सी सी, हमारे पास तीन पेयर बन रहे हैं, ए का पेयर या बीबी का पेयर या सीसी का पेयर, तो हाँ जी तीन में से एक पेयर पिक करना है, तो थ्री सी वन, हाँ और एक पेयर पिक कर लिया, तो उसके बाद बचे लेटर दो, हाँ उन दोनों में से कोई एक लेटर पिक करना है, तो टू सी वन, और मल्टीप्लीकेशन यूज कर लेंगे, हाँ जी हाँ तो जी 6 आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे 10 हो जाएंगे सिलेक्शन। ठीक है सर, ठीक है। हाँ तो नाइस इंटरव्यू था, थैंक यू सर। और आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया, हाँ जी सर, और आपको बेस्ट ऑफ लक आगे, थैंक जो यू भी सर। आपके इंटरव्यू फ्यूचर में आएंगे भी आईआईटीज में उसके लिए, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।